नमस्ते प्रणाम, कैसन बनी जा आप सब। और आप सब के भाई हम, आप सब के राइटर अखिलेश। और हमरा लागत है कि बहुत दिन बाद हम लाइव आइल बनी, काहे से कि आप सब के पता भी बाकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा बा, गाना के सब और चैनल के लेके आदमी वो चीज में परेशान बने। लेकिन ये चीज से हमरा बड़ी तकलीफ भइल कि जौना भोजपुरी खाती हमने के दिन रात काम करत हनी, भोजपुरी में काम करत हनी जा, भोजपुरी खाती कि चला भाई दिन रात इंटरटेन होके लोग खुश रहस, हमनियों के खुश रही जा। अब देखी आज से साल डेढ़ साल पहले एगो घटना भइल रहे, एक जना के उठा के लाइव में हमने के मरले रह इंसान, कहे कि भैया के बेटी पर गाना गौले रह, फिर वो गाना गौला हन जौन की रहे वाला हमने के बक्सर जिला के हमें, और ओकरा के मरला के बाद ऐसा माहौल बन गई रहे कि लागे कि गलत भी कह के उनका के गलती भी कैल रहा, अगर उनका के मार देनी जाता ऐसा लागल रहे हमने के राजपूत समाज के और बक्सर जिला का, मतलब वो चीज के रोगा सब तो भुलाई नहीं है वो खब जाए, ऐसा लागल रहे कि हमने के वो राजपूत समाज के मार दिले बनी जाए। लाइव में सारा लोग लाइव आ गई जौन की अपना पर ले लेलन कि राजपूत के लड़का मराइल बा, लाइव में ना मारे के चाहिए। आज उहे लोग जे कहत रहे केहू से हमनी के नहीं डायरेक्ट उहे सबसे बात बा कि आज उहे लोग अब बतावा कि आज फिर वो गाना गौले बा और आज हमनी के का करे के चाहिए। आज रौरा सब बताई जा हमनी के पब्लिक से और वो समाज के लोग से इंसाफ मांगत नहीं जा, वो समाज के लोग से। बाकी तो जो हमनी के बाद जो हमनी के प्रेम करेला वो तो अलग बा, ठीक बा भाई, हमनी के आदमी कहत है कि हैसन गाना आवत अच्छा भी करत तब तो वो बाउर होता। आई जौन समाज वो घड़ी हमनी के विरोध कैलस, जौन समाज के लागल कि हमरा समाज के लड़का के लाइव में मरले वालो, हमार बक्सर जिला में हमनी के बक्सर जिला के थोड़ा सा नेटवर्क के इशू रहा था उनका के हमनी के पिछला साल आज से साल डेढ़ साल पहले लाइव में तुचा तबड़ा के हुमार दिले रहे हमरे संग के रहे वाला लोग, हम ही उनका के धके ले आए लोग, वो पे पूरा राजपूत समाज खिसिया गई रहे कि राजपूत मराइल बा, राजपूत के लड़का मराइल बा। आज वही जाति के लोग से हम इंसाफ मांगते नहीं कि आप लोग का कहते नहीं जाए बताई जाओ, अब तक केहू मरले नहीं खे, ना कुछ बोल रहा हो, ना केहू गाली दे रहा हो, आ ना ऐसा हमने के कोनो काम कोई नहीं है जा, ना ऐसा कोनो गाना आई हो कि उनका बहुत तकलीफ लागल हो। आ रहल गाना बजाना के बाद, तो गाना बजाना के बाद गाना बजाना तक रह दिया ला पर्सनली केहू के लड़की के फोटो लगा के, केनो बाप के फोटो लगा के ओकरा के कतना गंदा तरीका से प्रतीक कइल गइल बा। तो दिन रात एगो खेसारी लाल यादव सबके दुश्मन बने, एगो उनके कहीं इंडस्ट्री से कबार के फेंक देवे के बाद हमी के वो घड़ी याद पड़ा था कि बक्सर जिला के जो हुई वो जानत हुई हमनी के बक्सर जिला के एगो सामाजिक व्यक्ति और जेकरा के हद से ज्यादा हमनी के इज्जत भी करी ले जा। हमनी के जेकरा के इज्जत करी ला जा आदरणीय कृष्णानंद सिंह उस छोटे चचा छोटे सिंह जी, उनका कि हमनी के भोजपुरी के बहुत ऐसा लोग पैरवियो करे आई रलन कि ई केस के मैनेज ना होके कि चाहे राजपूत के सम्मान घटल बा, भोजपुरी के बड़का सुपर स्टार रहनी वहां के एगो खेसारी लाल यादव ऐसा आदमी हमनी के हद से ज्यादा केहू के सम्मान कैले बन जा, हद से ज्यादा इज्जत कैले बनी जा सब कर, सब कोई के यही सोचले बनी जाए कि हमनी के मिला के चली जाए। अब यही आज सिचुएशन ऐसा आ गई बा कि भोजपुरी के जातिगत भाग भाग में बांट दिहल गई बा। आज रउआ सब एगो गलत, आज रउआ सब के जाति के लोग एगो गलत जाति के एगो गलत लड़का के अपना जाति खातिर रउआ सब सपोर्ट करके अपना मन बढ़ा देनी जा कि देखी जाऊ दिन प्रतिदिन दिन भर उल्टा पुल्टा गाना गावता,
लेकिन ये आप सबके जाति के लोग के एक गो के भी इंसानियत मर गई बा की एक लोग भी नहीं खन बोल जे जाति के लोग बा जात पात करके पूरा भोजपुरी के बांट दिलस का है और बाकी लोग बा चूड़ी पहन के आज बने बाकी लोग बा कुछ ना हमें हम मार दिल रही लाइफ में उनका कहता नाटक भइल रहे कि राजपूत के लड़का मरा गई बा राजपूत के स्वाभिमान मर गई राजपूत के यह धर्म है क्षत्रिय का इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि क्षत्रिय का यही धर्म है कि किसी का रक्षा करना किसी का सम्मान करना किसी का इज्जत करना क्षत्रिय जाति का धर्म ये है ना कि किसी की बेटी बहन पे गाना गाना किसी बेटी बहन को गाली देना है तो और आप लोग भी जो हैं कितना दिन ऐसे ऐसे हम लोग सहते रहेंगे और बर्दाश्त करेंगे अब जब समय जब जातीय पाती के बात करो तारा लोग तो ठीक बा करो लो मान लीजिए हमारे साथ रहने वाले हमारे साथ मुझे लगता है कि चार पांच लोग राजपूत जाति के ही लोग रहते हैं दिन रात एक साथ खाना खाते हैं एक साथ सोते हैं हम लोग के अंदर अगर ये जातिवाद रहता तो ये सारे लोग हमारे साथ नहीं रहते ये बबुआन है बक्सर जिला की इसको भी बोल रहे थे लोग की मारे हैं इधर भी बबुआन है हम लोग हमनी के जातीय पाती के अगर ये रही विवेक सिंह राजपूते हमारे अंदर अगर ये जात बात और भेदभाव रहता तो हमारे साथ और भी लोग रहते लेकिन बताइए कि केहू के बेटी के ऊपर अभी तो साल भर में ऐसा कोनो डेढ़ साल में गाना ना आई है जमना वजह से वो आज गाना फिर से गौलन ओ घड़ी वही जाति के लोग कुछ न्यूज वाला भइल बने कुछ बड़का सुपरस्टार अपने आप के माने लागल बने हैं आज ये चीज के रउआ सबसे ये हम प्रार्थना करते नहीं कि अगर ये चीज के आप लोग जवाब दे हब जा आप लोग अगर समझब जाए झगड़ा के ये केस के ये मैटर के कि केहू के लड़की के ऊपर केहू के बेटी के ऊपर पर्सनली एक सुपरस्टार भोजपुरी का जो भोजपुरी का नाम हमारे भोजपुरी में इतना ऊपर बढ़ा रहा है उसको सारे लोग मिल के दावे हुए हैं कहीं कौन सीएमएस वाला बने तो वो मार के स्ट्राइक सब तरह बंद कर दे बने वो रहे सबके जाति के हमें कहीं कुछ लोग बने तो चारों तरफ से राजनीति करके घेर दिले बने कि खेसारी लाल यादव घेरा गई अरे जिसके साथ पब्लिक है जिसके साथ इतने लोग हैं आज हम लोगों को घेर दिए आप मान रहे हैं कि हमारा गाना नहीं आ रहा है बहुत आप लोग का गाना बज रहा है आप बहुत झंडा गाड़ दिए लेकिन आतना दिनों से भोजपुरी के लोग के नहीं क्या बुझाया हैं आदमी परेशान है चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है इतना हमारे साथ गलतियां किया गया है हमारे चैनल के सारे गाने को बंद कर दिए गए जिसमें 100-100 मिलियन 150-150 मिलियन के गाने थे एक शब्द मैंने बोला क्या लाइव आके मैंने कुछ नहीं बोला मैं चुपचाप ठीक है भाई आपका वो कर्तव्य आपका हद से ज्यादा सम्मान किए हैं हम लोग आज तक करते आए लेकिन आप एक ऐसे सीएमएस वाले हो के आप एक ऐसे जाति के हो के आप दूसरे जाति के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं नीचे गिरा रहे हैं परेशान करके रखे हुए हैं एक और मतलब ऑप्शन ही है ना बा कि या तो भोजपुरी छोड़ दिया जाए ना तो आत्महत्या कर ले इस लोग और आज हमारे खेसारी भैया को जितने चाहने वाले लोग हैं अब आप लोगों को भी अपने चीजों को और अपने सुपरस्टार की प्रतिष्ठा के लिए आप लोगों को आगे आना होगा नहीं तो आप लोग ऐसे अगर चलता रहा हम लोगों के साथ तो आप लोग बहुत जल्द खेसारी लाल यादव को खो देंगे बहुत जल्द अखिलेश कश्यप को खो देंगे और बहुत जल्द पूरा टीम खेसारी को ये लोग तोड़ के फेंक देंगे अगर इन लोगों का राजनीति ऐसा चलता रहा तो आप लोगों से एकदम निवेदन बा आप सब से प्रार्थना बा कि अब आप सब के भी खड़ा होके के पड़ी और जवाब देवे के पड़ी तब लोग के पता चली कि हम अकेले नहीं है जिसके बदौलत आज हम लोग वैसे गरीब घर से वैसे गांव से आके भोजपुरी में नाम किए तो आप लोग के बदौलत किए और आप लोग के भाई को आप लोग के बेटे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है 3 महीने से 2.5 महीने से कि हमारे पास मरने के बाद सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास रास्ता ही नहीं है कोई कि हम कुछ कर सके हर जगह से घेरा जा रहा है हर जगह से किया जा रहा है एकरा पहले इतना गाना ना आवत रहा जितना घेर के हमनी के मेहनती लोग हो गए तो इसमें पूरा मिली भगत है और आप लोग अब आप लोगों को
ये सब चीजें चाहिए कि आप लोग अब अपने सुपरस्टार के लिए, अपने खेसारी के लिए आगे आइए और ऐसे लोगों को अब जवाब देना ही होगा। और मैं आप सब से एक बार फेसबुक पे ये बात लिखा भी था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों से सहयोग मांगूंगा, और वो बहुत जल्द समय आ जाएगा ऐसा जो आप लोगों से हम लोग सहयोग मांगेंगे और आप लोगों की जरूरत होगी हम लोगों को। तो आप लोग प्लीज, आप लोग को भी समय है कि आप लोग भी अपने सुपरस्टार के साथ, अपने खेसारी लाल यादव का सहयोग कीजिए। और जो ऐसे कर रहे हैं, और जिस जाति के लोग उस टाइम उतावले हुए थे, राजपूत जाति के लोग जितने भी हमारे अपने थे, जितने भी हमारे नहीं जान पहचान के थे, सारे लोगों ने मिलकर हमें गलत बना दिया कि मैंने गलती किया है, मैंने सिर्फ उसे मार दिया। तो आज तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा ना, आज तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, आज तो आप ही लोग से सवाल कर रहे हैं। तो आप आज आप लोग बताइए कि क्या किया जाए उसके साथ। मैंने शुरू से सम्मान किया है, हमने हमारे बक्सर जिला के छोटे चाचा हैं उनके कहने पे मैंने सॉरी भी बोला कि मेरे से गलती हो गई थी भाई, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आज उनके कहने के बाद वो हमारे एक बक्सर जिला के प्रतिष्ठित और वैसे राजनीतिक इंसान है जिनका हर वो युवा, हर वो नागरिक हमारे बक्सर जिला में उनका इज्जत करता है। जब वो बीच में बुलाए कि आज के बाद ऐसा काम ये नहीं करेगा, तो हमें भरोसा हो गया कि ठीक है ये नहीं करेगा। लेकिन आज उनकी बातों को अवहेलना किया गया। क्या उनका कोई सम्मान नहीं है हमारे नजरों में? तुम्हारे नजरों में तो है ही नहीं कुछ। उसके बाद से वो बताए कि कभी अखिलेश कश्यप ने फोन किया है या ऐसा कुछ किया जिससे ऐसा लगा किसी को कि उनकी छवि खराब हुई हो, लेकिन आज वो बोले कि आज के बाद ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन आज भी वो वही चीजें कर रहा है जो उस टाइम किया था। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्द फिर हम लाइव में मिलेंगे। और अब आप लोगों को खड़ा होना होगा और आप लोगों को लड़ना होगा अपने हक के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए। नहीं तो ये सारे लोग वैसे राजनीति कर रहे हैं। मेहनत तो करे के नहीं खे, मेहनत तो ना होई, गाना ना बाजी, रोकिए के नु बजवा लेता रहो, और तो ताकत नहीं खे, घेर के बाजी वो लोग बजवा ले बोलो। खुला तो रहनी है तो मैं जाना के पसीना छोड़ा के भिगले रहनी है। ठीक है, आप लोग मोहब्बत कीजिए और समय ऐसा ही नहीं रहेगा, जल्दी लौटेंगे फिर अगर देखो हम। खेसारी लाल यादव से ज्यादा के कर गाना बजाता हो अभी हो, हाथाना घेर ला के बाजू दो, मैं तो दिमाग लगा के थकिए गई लो, अपने ले कहला ले होला कि हई कह देनी हऊ कह देनी, ई ना होला पब्लिक बतावेला। आप लोग मोहब्बत कीजिए और आप लोग आशीर्वाद प्यार दीजिए।